पिछले लेक्चर में हमने रिंग के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग। तो हमारे पास R प्लस डॉट कोई रिंग है और उसमें तीन एलिमेंट है ए बी सी। तो पहली प्रॉपर्टीज है ए जीरो इक्वल टू जीरो ए इक्वल टू जीरो, यानी ए का हमने मल्टीप्लाई किया है जीरो में तब भी जीरो मिलेगा और जीरो का मल्टीप्लाई आप ए में करोगे तब भी जीरो मिलेगा। तो इसका हम प्रूफ कैसे करेंगे? ए जीरो इक्वल टू ए जीरो प्लस जीरो, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्योंकि इसको आप जब आप ऐड करोगे तो वापस से यही मिल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे जीरो में तो ये जीरो ही मिल जाएगा। अब हमने ऐसे क्यों लिखा है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के लिए लिखा है, क्योंकि रिंग में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होता है। तो जब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ए जीरो प्लस ए जीरो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो ए जीरो है इसमें जीरो को ऐड कर देंगे, क्योंकि जीरो को ऐड करेंगे तो वापस से यही एलिमेंट मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ए जीरो प्लस जीरो इक्वल टू ए जीरो प्लस ए जीरो। हमने जीरो को ऐड की क्यों किया है? देखो रिंग जो है प्लस के रिस्पेक्ट में क्या फॉर्म करता है, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। ग्रुप में एडिशन के रिस्पेक्ट में लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है, यानी कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, कैंसिल हो रहा है ना। तो देखो क्या मिल जाएगा, जीरो इक्वल टू ए जीरो, ठीक है। तो यही तो आपको प्रूफ करना था, ए जीरो इक्वल टू जीरो, ठीक है। देखो यहाँ से ए जीरो इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, जीरो मल्टीप्लाई विथ वे इक्वल टू जीरो, इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो देखो मैं यहीं पर डिस्कस कर देता हूँ, बस करेंगे क्या, यहाँ पे ये जो ए को मैंने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया है, अब हम क्या करेंगे, राइट साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो मैं इधर डिस्कस करता हूँ, यहाँ पे यही ना प्रूफ करना है, जीरो ए इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, जीरो प्लस जीरो मल्टीप्लाई विथ ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, तो क्या मिलेगा, जीरो ए इक्वल टू जीरो ए प्लस जीरो ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो को ऐड कर देंगे, क्योंकि जीरो को ऐड करेंगे तो वापस से ही एलिमेंट मिल जाएगा। और जीरो को ऐड क्यों कर रहे हैं, अगर जीरो को आप यहाँ ऐड कर दोगे तो आसानी से लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लग जाएगा, ठीक है। तो देखो जीरो ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो ए प्लस जीरो, ठीक है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ देखो लग रहा है, ठीक है। तो फिर क्या मिल गया, जीरो इक्वल टू जीरो ए, तो वापस से आपको क्या मिल गया, वही देखो प्रूफ मिल गया, जीरो, ठीक है। अब जीरो का हमने मल्टीप्लाई ए में किया है तो जीरो मिल गया, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ए का मल्टीप्लाई हमने जीरो में किया था तो फिर जीरो मिल गया, ठीक है। तो दो ये प्रूफ आपका पहला प्रूफ हो गया। अब हम दूसरे प्रूफ पे चलते हैं, ए माइनस बी इक्वल टू माइनस ए इंटू बी इक्वल टू माइनस ए बी, ठीक है। इसको हमें प्रूफ करना है, यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस बी में तो क्या मिल रहा है, माइनस ए बी। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस ए का मल्टीप्लाई बी में कर रहा है तो फिर भी क्या मिल रहा है, माइनस ए बी। तो पहले तो हम इसको लेके ये प्रूफ करेंगे, फिर इसको लेके ए प्रूफ कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, ए बी प्लस माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए जीरो। क्यों मिलेगा, देखो इस बी प्लस माइनस बी जब करोगे तो यहाँ पे तो जीरो मिल जाएगा, फिर आप ए का जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो मिलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कराएंगे, ठीक है, क्योंकि रिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होता है। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कराएंगे तो क्या मिलेगा, ए बी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू ए जीरो, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो ए जीरो हमने क्या प्रूफ किया था, अभी फर्स्ट हम प्रूफ कर रहे थे तो ए जीरो फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहे थे, तो यही तो करते रहे थे, ए जीरो इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से हम इसके जगह पे जीरो लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ए बी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको इधर कर दो, ठीक है। तो ए
माइनस बी इक्वल टू माइनस ए बी, ठीक है। तो यही प्रूफ करना था, ये आपका आ गया, यही तो प्रूफ करना था। देखो अब हम इसको लेके प्रूफ करेंगे। इसको लेके कैसे प्रूफ करेंगे, इधर आप नोट करो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई विथ बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बी जीरो मिल जाएगा। क्योंकि देखो ए प्लस माइनस ए करोगे तो जीरो मिलेगा, अब फिर आप बी का मल्टीप्लाई करोगे तो बी जीरो मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा देंगे, तो ए बी प्लस माइनस ए बी इक्वल टू बी जीरो। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, जीरो लिख सकते हो, क्योंकि हम प्रूफ करके आ रहे हैं ए बी प्लस माइनस ए बी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस ए बी इक्वल टू माइनस ए बी। देखो अब इसको लेके हमने प्रूफ कर दिया। ये कहाँ से लिख रहे हैं, देखो हम क्या कर रहे थे, ए जीरो कर रहे थे तो इक्वल टू जीरो फर्स्ट प्रॉपर्टी आ रही थी ना, वैसे ही बी जीरो करेंगे, किसी एलिमेंट का जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो जीरो ही आएगा। यहाँ पे हमने ए का कर रहा था मल्टीप्लाई जीरो में तो जीरो आ रहा था, तो यहाँ पे बी का कर रहा हूँ जीरो में तो जीरो ही तो आएगा, उसी कंडीशन से मैंने लिखा। अब थर्ड लिखो प्रूफ, माइनस ए माइनस बी इक्वल टू ए बी, ठीक है। तो इसका हम प्रूफ कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे क्या लिख सकते हैं क्या, माइनस ए माइनस बी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं क्या। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ए बी, ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम सेकंड प्रॉपर्टी है। क्या लिख रहे थे, ए माइनस बी को माइनस ए बी लिख रहे थे ना, ए सेकंड प्रॉपर्टी थी ये लिख रहे थे, तो इसी प्रॉपर्टी से मैंने क्या किया है, ए माइनस बी को माइनस ए बी लिखा है, ठीक है। अब देखो किसी भी एलिमेंट का हम अगर इन्वर्स लें, यानी ए ए बी है, ए बी है ना, इसका अगर हम इन्वर्स लें तो माइनस ए बी होगा, फिर अगर हम इसका इन्वर्स लें तो माइनस हो जाएगा, और ए मिलके क्या बना देगा, प्लस, यानी ए बी बन जाएगा, वापस से वही एलिमेंट मिल जाएगा। क्या कर रहे हैं हम, इस ए बी का इन्वर्स ले रहे हैं, फिर इसी का इन्वर्स ले रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा, ए बी। तो ए बी प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो गई, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, आपकी थर्ड प्रॉपर्टी थी। अब यहीं पे डिस्कस करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, ये ए मल्टीप्लाई विथ बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, ए बी माइनस सी इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए बी प्लस माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दो तो क्या मिलेगा, ए बी प्लस माइनस ए सी, ठीक है। तो ये मिल गया, अब आप यहाँ से माइनस को बाहर कर देना तो क्या मिल जाएगा, ये तो इधर से चला ही आ रहा है, तो इधर आप अगर उसको आप बाहर करोगे तो मिल जाएगा ए बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो ये हो गई आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी का प्रूफ, ठीक है। देख लो यही प्रूफ करना था, ए बी माइनस ए बी। अब है फिफ्थ प्रॉपर्टी, बी माइनस सी इक्वल टू ए बी ए माइनस सी ए, ठीक है। तो इसका हम प्रूफ कैसे करेंगे, देखो सब आसान प्रूफ है, हम रिंग की मदद से सब प्रूफ कर रहे हैं। तो बी माइनस सी मल्टीप्लाई विथ ए इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या ध्यान देना, बी प्लस माइनस सी, और यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विथ ए। अब क्या करो आप, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड करा दो, तो बी ए प्लस माइनस सी ए, ठीक है। तो अगर आप इस माइनस को बाहर करोगे तो ऐसे तो होगा बी ए माइनस सी ए, ठीक है। और ये तो चला ही आ रहा था इधर से, बी माइनस सी मल्टीप्लाई विथ ए। तो ये हो गई आपकी फोर्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी, तो ये हो गई आपकी रिंग की प्रॉपर्टी।